कमर्शियल सॉन्ग्स, ऐसे गाने जिसे हार्डकोर हिप हॉप ऑडियंस ज्यादा रिस्पेक्ट या फिर ज्यादा वैल्यू नहीं देती है, बट कमर्शियल ट्रैक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है DHH के लिए, हमारे लिए और मोस्टली आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि कमर्शियल ट्रैक ही वो ऐसे गाने हैं जो आर्टिस्ट को पैसा बना के देते हैं, जो आर्टिस्ट को मास ऑडियंस या फिर पैन इंडिया में पॉपुलर बनाते हैं। तो 2023 में भी हमें बहुत सारे कमर्शियल ट्रैक देखने को मिले जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और क्वालिटी वाइज भी जो बहुत अच्छे थे। तो आज के इस वीडियो में जैसे साल खत्म होने वाला है, हम 2023 के कुछ बेस्ट कमर्शियल ट्रैक चेक करने वाले हैं। मोस्टली मैंने सारे आर्टिस्ट को फीचर किया है, जितने भी DHH आर्टिस्ट हैं उनके एक एक गाने मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है, एंड आई होप कि तुम भी इस लिस्ट के साथ एग्री करोगे। अगर नहीं करते हो तुम अपने फेवरेट कमर्शियल ट्रैक जो इस साल ड्रॉप हुए हैं तुम उनको नीचे कमेंट में बता सकते हो। चल लेटिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट ऑफ बेस्ट कमर्शियल ट्रैक्स ऑफ 2023। लेट्स गो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट, चेक करते हैं अपने लिस्ट का पहला कमर्शियल ट्रैक जो इसी साल ड्रॉप हुआ है, एंड दिस सॉन्ग इज रियली गुड। दिस इज अ हरियाणवी कमर्शियल ट्रैक, गाने का नाम है छोरा बाबा का बाय रफ्तार एंड डांडिया नयोली वाला। फॉर्च्यूनर घोड़ी राखी लंगोट बांध घोड़ी राखी राम बोला। तो ये ट्रैक कुछ महीने पहले, आई थिंक 2-3 महीने पहले ही ड्रॉप हुआ है। इस ट्रैक की हाइप या फिर इस ट्रैक की अनाउंसमेंट या हिंट हमें बहुत पहले से मिलती हुई आ रही थी। डांडिया नयोली वाला जो कि एक बहुत ही पॉपुलर और इमर्जिंग हरियाणवी आर्टिस्ट है, उनका कोलैबोरेशन हमें रफ्तार के साथ देखने को मिला है। ट्रैक इज रियली गुड। बहुत लोगों को ट्रैक उतना पसंद नहीं आया जितनी हाइप थी, बट मुझे ट्रैक पसंद आया। आई रियली लाइक द ट्रैक, स्पेशली इसमें जो डांडिया का वर्स था वो मुझे बहुत ही ज्यादा सही लगा। तो डेफिनेटली ऐसा ट्रैक है जिसे तुम गाड़ी में प्ले कर सकते हो, पार्टी में चल सकता है ये ट्रैक, और आई थिंक नॉर्थ पार्ट जो इंडिया का है वहां पे तो भाई ये ट्रैक फटेगा, ठीक है, वैसा ट्रैक है। सो रियली गुड कमर्शियल ट्रैक जो हमें इस साल देखने को मिला है। ओके, लिस्ट में चलते आगे, चेक करते हैं अगले कमर्शियल ट्रैक को। सो 2023 वाज ईयर ऑफ करण औजला। करण औजला के साइड से इस साल हमें बहुत सारे गाने देखने को मिले, डिफरेंट जॉनरा में गाने देखने को मिले, और 2023 को रूल किया है करण औजला ने। और बात करें हम कमर्शियल हिप हॉप ट्रैक की, तो मल्टीपल अच्छे कमर्शियल हिप हॉप ट्रैक करण औजला के साइड से हमें देखने को मिले हैं। अगर मैं सारे ट्रैक ऐड कर देता ना इस लिस्ट में करण औजला के, तो पूरा लिस्ट करण औजला के ट्रैक से ही भर जाता, इसलिए मैंने एक दो ट्रैक ही ऐड किए। तो हम आ जाते हैं करण औजला के पहले कमर्शियल ट्रैक पे जो इस लिस्ट में है। ट्रैक का नाम है एडमायरिंग यू। नी तेनु देख के जी लगदा देख दीवा जगदा। तो करण औजला के साइड से इस साल हमें एल्बम देखने को मिला जिसका नाम था मेकिंग मेमोरीज। बहुत ही प्यारा एल्बम था, बहुत सारे कमर्शियल ट्रैक थे इसमें, और इसी एल्बम में हमें एक ट्रैक देखने को मिला एडमायरिंग यू। ये ट्रैक ऑलरेडी तुम सबने सुन रखा होगा, ट्रैक की वाइब बहुत अच्छी है, ट्रैक का स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है, जो करण औजला की वोकल्स है वो बहुत अच्छे है, पूरा ट्रैक बहुत ही अच्छे से मिक्स मास्टर किया गया है और एक बहुत ही बढ़िया कमर्शियल हिप हॉप ट्रैक है। इवन म्यूजिक वीडियो भी बहुत फ्यूचरिस्टिक और क्या बोलते हैं उसमें तुम्हें थोड़ी फ्यूचरिस्टिक वाइब देखने को मिल जाएगी। सो रियली गुड जॉब इन म्यूजिक वीडियो एज वेल, एंड डेफिनेटली भाई 2023 का वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल ट्रैक है ये। मैं लूप में सुन रहा हूँ, तुम्हारा क्या सीन है बताओ, ये ट्रैक तुम्हें क्या लगता है होना चाहिए इस लिस्ट में या फिर नहीं? मेरे हिसाब से डेफिनेटली होना चाहिए। ओके, चलते हैं लिस्ट में आगे, चेक करते अपने लिस्ट के अगले कमर्शियल ट्रैक को। मैं बात कर रहा था करण औजला की, अगेन दिस सॉन्ग इज बाय करण औजला, और शायद ये करण औजला का इस साल का सबसे ज्यादा वायरल ट्रैक है और इस साल का ओवरऑल भी सबसे ज्यादा वायरल हिप हॉप कमर्शियल ट्रैक है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रैक की, इसका नाम है सॉफ्टली। वे चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी। तो ये ट्रैक भी हमें करण औजला के एल्बम एडमायरिंग यू में ही देखने को मिला था, और जब ये इस ट्रैक का सिर्फ ऑडियो आया था, ऑडियो ही इंस्टाग्राम रील्स पे फट गया था। लाइक अभी भी आई थिंक 1 मिलियन के आसपास रील्स बनाए जा चुके हैं इस ट्रैक के ऊपर, उससे ऊपर ही बनाए जा चुके हैं इस ट्रैक के ऊपर, एंड दिस सॉन्ग वेंट लिटरली वायरल। उसके बाद इस ट्रैक का हमें म्यूजिक वीडियो देखने को मिला, एंड म्यूजिक वीडियो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं बात करूं गाने की, सॉन्ग इज रियली गुड और उसी वजह से तो लोग पसंद कर रहे हैं इसको। सो डेफिनेटली ऐसा ट्रैक है जो सिर्फ इस साल नहीं, आई थिंक अगले साल भी चलेगा, लोग सुनने वाले इस ट्रैक को, एंड डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल ट्रैक जो हमें इस साल देखने को मिला है। ओके, सो वीडियो हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, आई थिंक तुम सबको इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर है, बट स्टिल अगर कोई नए लोग हैं या फिर तुम सोच रहे हो इसे बाई करने का बट अभी तक बाई नहीं किया, तो मैंने ग्राफी या फिर अनअकैडमी, ठीक है, अनअकैडमी के साथ मिलकर के एक म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है म्यूजिक प्रोडक्शन फॉर बिगनर्स। इस कोर्स में तुम्हें 30+ लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे,
ये एक बिगनर कोर्स है जिसने कभी भी आज तक म्यूजिक प्रोडक्शन की क्लास नहीं की है, म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में जिसको आइडिया नहीं है उसके लिए ये कोर्स है। स्टार्टिंग से एंड तक तुम्हें सब कुछ सिखाया जाएगा, 30+ लेक्चर वीडियो है, वीडियो मैंने ही बनाया है, ठीक है। तो सब कुछ तुम्हें वहां पे जानने को मिल जाएगा, कैसे म्यूजिक बनाना है, कैसे बीट बनाना है, कैसे मिक्स मास्टर करना है, कैसे तुम्हें ऑटो ट्यून यूज करना है, कैसे पियानो रोल में तुम्हें पियानो प्ले करना है, सब कुछ तुम्हें यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा बेसिक लेवल पे, ठीक है। और कोर्स की प्राइस है सिर्फ 999 रुपीज जो भी डिस्काउंट पे चल रहा है, ठीक है, बाद में प्राइस हो सकता है इंक्रीज हो जाए। इसके साथ साथ 14 डेज मनी बैक गारंटी। अगर तुम्हें लग रहा है भाई कि मैं हो सकता है कोर्स बाय करने के बाद मुझे कुछ सीखने को ना मिले या फिर ये सिर्फ मैं पैसे वेस्ट कर रहा हूं, तो 14 डेज मनी बैक गारंटी है। तुम बाय कर सकते हो कोर्स 14 दिन तक, अगर तुम्हें लगता है कि ये कोर्स वर्थ नहीं है इतने पैसे का तुम पैसे वापस ले सकते हो, ठीक है, तो तुम्हें पैसे वापस मिल जाएंगे। तो अगर तुम बाय करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और कोर्स एनरोल करो और कोर्स बाय कर लो, ठीक है। सो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके चलते हैं लिस्ट में आगे, चेक करता हूं मेरे लिस्ट का अगला ट्रैक एंड दिस सॉन्ग इज बाय एमिवे बंटाई। ये ट्रैक हमें 2023 के स्टार्टिंग में ही देखने को मिला था और पूरे साल इस ट्रैक ने अच्छा परफॉर्म किया और इस पूरे साल का सबसे ज्यादा व्यूज लाने वाला ये हिप हॉप ट्रैक बन गया या फिर हिप हॉप आर्टिस्ट का ट्रैक बन गया। मैं बात कर रहा हूं जिस ट्रैक के, इस ट्रैक का नाम है कंपनी। हां क्या बोलते कंपनी, कमाए ले बहुत बने, इनको लग रहा साने बन रहे, अगले लग रहे बहुत फनी, आपस चले मत कर। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि भाई ये कमर्शियल ट्रैक नहीं है, ये प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक है, बट अगर तुम बीट पे जाओ, अगर तुम ट्रैक की वाइब पे जाओ, सो आई विल काउंट दिस एज अ कमर्शियल ट्रैक। कमर्शियल ट्रैक बोलना किसी ट्रैक की बेइज्जती करना नहीं है, ठीक है, तो कमर्शियल ट्रैक को भी आई थिंक उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी बाकी ट्रैक को मिलती है, ठीक है। सो यस, येट अगेन एमवे बंटाई हैज प्रूव्ड कि वो सिर्फ हार्डकोर ट्रैक नहीं कर सकते। अगर बात होगा कमर्शियल ट्रैक की, जैसे तुम बात कर लो खत्म हुए वांदे या फिर मचाएंगे, उसी टाइप की वाइब या फिर उसी टाइप का जॉनरा से मिलता जुलता हमें ये ट्रैक देखने को मिला। एंड ही नेल्ड इट। व्यूज बता रहे हैं, स्ट्रीम्स बता रहे हैं और पॉपुलैरिटी बता रही है, इंस्टाग्राम रील्स बता रहे हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रैक इंस्टाग्राम रील्स पे वर्ल्ड वाइड ये ट्रैक बन गया, ठीक है। सो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल ट्रैक एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल ट्रैक जो हमें इस साल देखने को मिला है, एमवे बंटाई ने ड्रॉप किया है, कंपनी। हियर वी गो। ओके चलते हैं लिस्ट में आगे, चेक करते हैं अपने लिस्ट के अगले कमर्शियल ट्रैक को। सो अगर कमर्शियल ट्रैक की बात आती है ना, तो बादशाह को तुम उस लिस्ट से निकाल ही नहीं सकते हो, ठीक है। बादशाह ने इस साल मल्टीपल ट्रैक्स ड्रॉप किए हैं और ऑलमोस्ट सारे ट्रैक ने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। और मैं जिस ट्रैक की बात कर रहा हूँ, इस ट्रैक का नाम है गॉन गर्ल। हाँ, ये वही कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रैक है जिसके बाद हनी सिंह वर्सेस बादशाह स्टार्ट हो गया था और बीफ बहुत ही गंदी चली गई। इस बाद हनी पाजी का हमें ट्रैक देखने को मिला, देसी कलाकार 2 या फिर कला स्टार, और चीजें बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो गई थी। बट अगर हम बीफ को साइड में रखते, सिर्फ ट्रैक की बात करें, ट्रैक वॉज गुड एज अ कमर्शियल ट्रैक, इट वॉज अ गुड ट्रैक। ट्रैक का हुक बहुत ही अच्छा था, जो फीमेल वोकल बादशाह भाई ने यूज किए थे, फीमेल वोकलिस्ट सी डिड रियली गुड जॉब। उसके साथ साथ इवन जो वर्सेस थे, थोड़ा सा उसमें हार्ड कोर तड़का लगाया बादशाह भाई ने, बट स्टिल ओवरऑल ट्रैक बढ़िया साउंड कर रहा है। सो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल ट्रैक जो हमें इस साल देखने को मिला है। ओके चलते हैं लिस्ट में और आगे, चेक करते हैं अपने लिस्ट को अगले ट्रैक। और ये आर्टिस्ट को शायद तुमने इस लिस्ट में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मैं बात कर रहा हूं एमसी स्क्वायर की। और एमसी स्क्वायर के साइड से इस साल हमें एक ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था लाडो। लाडो पूछा है मन्ने क्यों तेरा रंग काला, तेरा रंग काला तेरा। और ये ट्रैक ड्रॉप होने के बाद भाई वायरल हो गया, ठीक है। अगेन इंस्टाग्राम रील्स में 3 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स बनाए जा चुके हैं। ये ट्रैक को ड्रॉप हुआ आई थिंक 3-4 महीने ही हुए हैं और इतना तगड़ा परफॉर्म किया है इस ट्रैक ने इंस्टाग्राम में। आई थिंक ये ट्रैक 2024 में भी प्ले होने वाला है। अगर हम बात करें ट्रैक की, तो ट्रैक में एमसी स्क्वायर ने वो किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक को ब्लेंड किया है हिप हॉप म्यूजिक के साथ। एंड दिस सॉन्ग हैज अ कमर्शियल वाइब, पैन इंडिया में पॉपुलर हुआ ये ट्रैक और हर जगह तुम हर दूसरे बंदे के रील में ये ट्रैक को देख रहे होगे। सो ट्रैक भी बढ़िया है और अच्छा ट्रैक बनाया है भाई ने, और आई थिंक सोनी म्यूजिक से आया था तो प्रमोशन भी हुई है, ऐसा नहीं कि सब ऑर्गेनिक ही है। सो यस, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक जो हमें इस साल देखने को मिला है, वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल ट्रैक। ओके चलते हैं लिस्ट में आगे, चेक करते हैं लिस्ट के अगले ट्रैक को। मैं सोच रहा था इस ट्रैक को मैं ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि जब ये ट्रैक ड्रॉप हुआ था ना, तो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था, बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड लाइकिंग द वाइब ऑफ दिस ट्रैक। शायद तुम मेरे साथ डिसएग्री करो, बट मैं जिस ट्रैक की बात कर रहा हूं, इस ट्रैक का नाम है उर्वशी बाय इक्का फीचरिंग एमसी स्टैन।
रिमिक्स वर्जन ऑफ पॉपुलर ट्रैक उर्वशी बाई एआर रहमान, जिसे इक्का ने रिमिक्स किया और हमें ये टी सीरीज के साइड से देखने को मिला है। ट्रैक जब ड्रॉप हुआ था तो मुझे ट्रैक में बहुत सारी खामियां नजर आई थी, बट धीरे धीरे ये ट्रैक मुझे पसंद आ रहा है। ठीक है, अगेन इंस्टाग्राम रील्स पे ये ट्रैक वायरल है, अच्छे खासे रील्स बन चुके हैं, इसमें व्यूज भी ये ट्रैक अच्छा ला रहा है, सो ट्रैक इज परफॉर्मिंग गुड। अगर तुम ट्रैक पसंद भी नहीं आता है तो नंबर्स वाइज अगर हम देखें तो ट्रैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल ट्रैक ऑफ 2023। अगेन सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों को लगेगा कुछ लोगों को नहीं लगेगा। ठीक है, ओके चलते हैं लिस्ट में, आगे चेक करते हैं अपने लिस्ट के अगले कमर्शियल ट्रैक को, और ये ट्रैक भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था इंस्टाग्राम रील्स पे। इस ट्रैक का नाम है चेक कर बाय परमीश वर्मा फीचरिंग पैराडॉक्स। चेक कर मुंडे दी तू रेंज, चेक कर मुंडे दी तू रेंज, चेक कर। अगेन दिस इज अ रियली गुड ट्रैक, शाउट आउट टू परमीश वर्मा। परमीश वर्मा ने इस साल बहुत सारे हिप हॉप आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है और अच्छे अच्छे ट्रैक्स दिए हैं। ठीक है, GD47 के साथ कोलैबोरेशन देखने को मिला, फिर हमें टीजी मॉडल्स के साथ देखने को मिला, सो ही इज डूइंग हिप हॉप, मतलब वो हिप हॉप म्यूजिक में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एंड ही इज मेकिंग गुड ट्रैक। ऐसा नहीं कि कुछ भी गाने बना रहे हैं, ठीक है, एंड दिस सॉन्ग इज वन ऑफ देम, दिस इज रियली गुड ट्रैक। ट्रैक की वाइब बहुत अच्छी थी, पैराडॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इसमें, एंड दिस सॉन्ग वेंट वायरल ऑन इंस्टाग्राम रील्स और व्यूज भी इस सॉन्ग के बहुत अच्छे हमें इस साल देखने को मिले। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक जो हमें इस साल, बेस्ट कमर्शियल ट्रैक जो हमें इस साल देखने को मिला है। ओके चलते लिस्ट में, आगे चेक करते अपने लिस्ट के अगले ट्रैक को, और इस ट्रैक का नाम है हाथवर्ती, आर्टिस्ट है एमसी स्टैन, और ये सॉन्ग हम लोगों ने पहली बार बिग बॉस, जब बिग बॉस खत्म हुआ था वहां पे एमसी स्टैन ने परफॉर्म किया था, फिर फाइनली हमें ये ट्रैक कश्मीर के एल्बम करम में देखने को मिला। मेरे गानों पे हाथ वर्ती, अगर नहीं करा यहाँ पे तो मार पड़ती, तेरी बहन मुझसे प्यार करती है, मत मार उसको उसकी। सो अगर हम बात करें इस ट्रैक की, रियली गुड म्यूजिक प्रोडक्शन बाय कश्मीर, जो म्यूजिक है वो बहुत ही वाइबी है, और ऐसा ट्रैक है जिसे बहुत टाइम तक, आई थिंक कश्मीर के एल्बम का सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रैक है, 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज है इस ट्रैक में। एमसी स्टैन डिड अ गुड जॉब एंड ओवरऑल दिस इज अ गुड ट्रैक। ठीक है, सो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक जो हमें इस साल देखने को मिला है बाय एमसी स्टैन एंड कश्मीर। ओके चलते हैं लिस्ट में आगे, और तुम शायद सोच रहे होगे हनी पाजी किधर है भाई, हनी पाजी का ट्रैक क्यों नहीं डाला। अगेन हरी हनी पाजी को हेट कर रहा है कि कमेंट आने ही वाला होगा, बट रुक जाओ, हनी पाजी के गाने हैं। सो हनी पाजी के साइड से भी इस साल हमें कुछ बढ़िया कमर्शियल ट्रैक देखने को मिले। सो हमारे लिस्ट का जो पहला हनी पाजी का ट्रैक है, इस ट्रैक का नाम है कुले कुले फीचरिंग अपाचे एंडर। लिटरली इस साल हनी पाजी ने कमबैक कर लिया, मतलब कोई सवाल ही नहीं है। अगर कोई सवाल करता है कि कमबैक नहीं हो पा रहा है तो भाई तुम्हारी विजन खराब है। ठीक है, इतने अच्छे ट्रैक दिए इस साल हनी सिंह ने, और इतने नंबर वाले ट्रैक दिए हैं। ठीक है, तुम ये कला स्टार का नंबर देख लो, कुले कुले का नंबर देख लो, सॉन्ग इज रियली गुड। गिल रोनी का कंपोजिशन और उनकी लिरिक्स है, बहुत ही प्यारी कंपोजिशन, प्यारी लिरिक्स, हनी पाजी ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया एंड ओवरऑल रियली गुड ट्रैक, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल ट्रैक ऑफ 2023। ओके लिस्ट में चलते हैं और आगे चेक करते हैं अपने लिस्ट के लास्ट कमर्शियल ट्रैक को, एंड दिस सॉन्ग इज आल्सो बाय योहानी सिंह, गाने का नाम है कला स्टार। ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, 2023 का जो सबसे हाइप्ड ट्रैक था वो यही ट्रैक था भाई, मतलब लोग वेट कर रहे थे इस ट्रैक के लिए। मुझे लिटरली पूछा जा रहा था, अगर मैं कहीं पे बैठा हुआ हूँ, भाई हनी सिंह का वो जो आ रहा है देसी कलाकार का सीक्वल, वो कब आ रहा है, मतलब लोग मुझसे पूछ रहे थे, मतलब बताओ भाई कब आ रहा है, जैसे कि मैं हनी पाजी का मैनेजर हूँ। ठीक है, तो भाई ये ट्रैक की उतनी हाइप थी, और जब ये ट्रैक ड्रॉप हुई कुछ लोग डिसअपॉइंट हुए, कुछ लोग खुश भी हुए। ओवरऑल दिस वाज अ गुड ट्रैक, मुझे पता था कि पुराना देसी कलाकार जैसे ये ट्रैक नहीं होने वाला है भाई, क्योंकि ये ट्रैक हनी पाजी ने लिखा नहीं है, गिल रोनी ने लिखा है, और उनकी वाइब डिफरेंट है। ठीक है, तो एग्जैक्टली जैसा मैंने सोचा था ट्रैक वैसा निकला, ट्रैक वाज गुड, मेलोडिक ट्रैक था, एंड इट वाज ओवरऑल अ रियली गुड ट्रैक। परफॉर्मेंस वाइज सॉन्ग्स परफॉर्मिंग रियली गुड, 100 मिलियन प्लस व्यूज है, स्ट्रीम्स भी, बाद में ये ट्रैक स्पॉटिफाई में आ गया क्योंकि जी म्यूजिक का पंगा था, तो ट्रैक स्टार्टिंग में ऐड नहीं हुआ था, बट स्ट्रीम्स ने भी ये ट्रैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल ट्रैक जो हमें इस साल देखने को मिला बाय योयो हनी सिंह। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द लिस्ट ऑफ some of the best commercial track of 2023। अगर कोई track मुझसे miss हो गया है, please comment करके बताओ। बाकी ये list मेरे according है, मेरे हिसाब से ये मेरे कुछ favorite commercial track थे। अगर कोई track छूटा है comment कर दो, ठीक है? तो अगर really मुझे लगता होगा कि हाँ ये track होना चाहिए list में, तो मैं comment pin भी कर दूंगा, ठीक है? बाकी अगर channel पे पहली बार है, channel subscribe करो, support करो, प्यार दिखाओ, Instagram पे follow कर सकते हो, Discord join कर सकते हो, और बाकी thanks for watching the video, thanks again। और हाँ, दो तीन वीडियो आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस है, जैसे मे बी कल या परसों DHH अवार्ड शो का वीडियो आने वाला है, बेस्ट एल्बम कौन सा था इस साल का, बेस्ट सिंगल कौन सा था, बेस्ट आर्टिस्ट कौन सा था, तो वो सब वीडियो मिस मत करना, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा वीडियो अपलोड हुआ है या नहीं। ठीक है,
तो कर लो. एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स अगेन. थैंक्स अ लॉट.